नमस्कार। मेरे पिछले दोनों वीडियो आप लोगों ने काफी पसंद किए और शायद उन्हीं से मिलता जुलता ये तीसरा आ सकता है। एक मेरा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर था 4-5 दिन पहले, जिसको लेकर कुछ लोग तारीफ करते हैं, तो ऑफकोर्स कुछ जो इंडिया के कंसल्टेंट या फ्रॉड या दलाल जैसे हम बोलते हैं वो होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो तमिलनाडु के कुछ डीम यूनिवर्सिटीज में उनकी सेटिंग होती है, दैट इज द राइट वर्ल्ड। तो उनको बुरा भी लग रहा है कि मैं क्यों उस मुद्दे को उठा रहा हूँ अबाउट लैंग्वेज एंड फूड। पर मैंने हमेशा आपको याद करो कहा था कि 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, जैसे बोलते हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए। तो उस रुकने का फायदा आपके सामने है कि MCC अगेन हर साल बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, और इस साल उन्होंने एक अच्छा काम यह है कि क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग की, पर कल शाम को ही एक अच्छी सी रिपोर्ट आ गई। अगर आप MCC की वेबसाइट पर जाएंगे जो है रिपोर्टेड कैंडिडेट, और बहुत ही सिंपल PDF है, जब आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे आप बहुत शानदार बहुत बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे वो जामिया हमदर्द हो, चाहे वो कस्तूरबा मणिपाल हो, कस्तूरबा बैंगलोर हो, सुगंधित विद्यापीठ हो, सभी में सीटें आपके लिए अवेलेबल है राउंड 3 में, जिसे मॉपअप कहते हैं। अब देखिए, सीटें तो हमेशा अवेलेबल रहती थी और वही सीटें अवेलेबल है। मैं थोड़ा समझाता हूँ, तो क्योंकि मैं मुझे मोटा मोटी याद है, तो एक यूनिवर्सिटी है MMU मौलाना नॉर्थ इंडिया में, जिसमें टोटल 150 सीट्स है। अब MMU मौलाना में आउट ऑफ दीज 150 128 मैनेजमेंट कोटे की हैं और बाकी 22 NRI की है, राइट, जो कि इनका सीट मैट्रिक्स है। फिर भी मैं एक बार और डबल चेक कर लूं ताकि हमारी एग्जांपल में गड़बड़ ना हो। सो 128 और 22, ठीक है। अब आप रिपोर्टेड कैंडिडेट को जो हम देखते हैं, तो टोटल जो रिपोर्ट किया गया है इस कॉलेज में अभी तक वो है 121, विच मीन्स हमारे पास टोटल 29 सीट्स अवेलेबल हैं एक ऐसे प्राइवेट कॉलेज में। एक तो ना बाबर हम डीम यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, तो हमने डीम यूनिवर्सिटीज को खाम खामे चढ़ा दिया है कि शायद डीम यूनिवर्सिटीज अच्छी है, प्राइवेट कॉलेज अच्छी नहीं होते। तो मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि सिर्फ टेक्निकलिटी का फर्क है कि एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट प्राइवेट कॉलेज किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, और चूंकि डीम्ड की काउंसलिंग MCC कराता है, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटीज में कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं होता, तो उनका एक अलग से नाम है कि वे डीम्ड, अलग से नाम है प्राइवेट। बट दैट डजेंट मीन, CMC वेलूर भी प्राइवेट है, CMC लुधियाना भी प्राइवेट है, सेंट जॉन्स भी प्राइवेट है, MS रामया, कैंपेगौड़ा, ये सब प्राइवेट में आते हैं, MGM जयपुर और बिंदो इंदौर, ये सब प्राइवेट में आते हैं, राइट। नॉर्थ की बात भी कर लीजिए तो आदेश कुरुक्षेत्रा या शारदा शिरा मूर्ति UP, और तो ये मैं सोचे कि हम डीएमडी की बातें इसलिए कर रहे हैं कि डीएमड बेटर है, प्राइवेट बेटर नहीं है, नहीं, क्योंकि MCC डीएमडी काउंसलिंग कराता है, तो जो MCC का डेटा आया उसमें डीएमडी का हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल उठाया। सो 121 150 में से एडमिशन हुए हैं। अब इन 121 में से भी अच्छी बात यह है कि कुछ NRI ने भी ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, 2 लोगों ने। सो 119 लिए हैं जनरल, 2 लिए हैं NRI, जबकि टोटल सीटें थी अभी मैंने बोला ना मैनेजमेंट की 128, राइट। अब 128 सीटों में से 119 ने लिया। सो पहले तो वही बेवकूफी में जो लोगों को समझाता हूँ, 9 लोग ऐसे हैं जिनको मुलाना एलोकेट हुआ पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं करा और अपने 2 लाख रुपए कम से कम खराब कर लिए, क्योंकि राउंड 2 में तो ऐसे कई बच्चे हैं ना जिनको मुलाना रिपोर्ट मिला ही नहीं, सेम इस कस्तूरबा, सेम इस हमदर्द, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अलोकेट हुई है, जनरल की बात करो और नहीं गए। अब आते NRI पे, क्योंकि इस साल का फायदा है बच्चों को। देखिए मोस्टली डीम्ड में हमेशा कहता था NRI बची होती थी, सो फिर से मौलाना की बात करें तो 2 NRI खत्म हुई है और 20 बची हुई है। अब लास्ट ईयर क्या दिक्कत होती थी, मैं बार बार आपको समझा चुका हूं कौशल प्रोसेस, MCC राउंड 1 स्टेट राउंड 1, MCC राउंड 2 स्टेट राउंड 2, MCC राउंड 3 मॉपअप स्ट्रीम स्टेट मॉपअप, MCC राउंड 4 स्ट्रे मॉपअप स्टेट स्ट्रे मॉपअप। अक्सर किसी भी स्टेट में स्ट्रे मॉपअप की नौबत आती ही नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है और उस दिन वो सीटें खत्म कर ही देते हैं। MCC की बात करते हैं, MCC में जो राउंड 3 था, जैसे वो रूल अगर इस साल ना आता तो क्या होता, NRI की 18 सीट 20 सीटें जो बची हुई है ये राउंड 4 तक बची रहती,
क्योंकि राउंड थ्री में भी कोई अप्लाई नहीं करता। ये जो जनरल की सीटें बची हुई थी 109 सीटें, वो दे दी जाती 9 टॉप बच्चों को और बाकी 22 सीटें पड़ी रह जाती। अब फिर हो जाते हर स्टेट का मॉपअप। अब किस में इतनी हिम्मत है कि वो सारे स्टेट मॉपअप भी छोड़ के स्ट्रे मॉपअप का वेट करे कि नई जी जो स्ट्रे मॉपअप आएगा एनआरआई कन्वर्ट होगी तब मैं जाके मुलाना में एडमिशन ले लूंगा या हमदर्द में ले लूंगा। और ये जो लॉजिक है सबके साथ है, तो इसलिए मैं बाबा लोगों को समझाता था कि जो लोग लास्ट ईयर कट ऑफ देखते हैं, सर हमने सुना था कस्तूरबा में 200 में एडमिशन हो गया था, वो इसलिए होता है कि चौथे राउंड तक कोई बचता ही नहीं था। इस साल लेकिन क्या होने वाला है कि थर्ड राउंड के अंदर ही कन्वर्जन हो जाएगा। तो चूंकि मैंने वो एग्जांपल पकड़ रखा है, तो मुलाना में 20 एनआरआई सीटें बची हुई हैं, क्योंकि मॉपअप में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, वो देखते हैं कितने एनआरआई ने अप्लाई करा। लेट्स से अप्लाई ही 3 लोगों ने करा, अब ये 3 भी कल को सीट ले ना ले नोबडी कैन गारंटी, पर अप्लाई 3 ने करा तो बाकी 17 एनआरआई की सीटें मॉपअप के दौरान कन्वर्ट कर दी जाएंगी। लास्ट ईयर था कि मॉपअप के बाद होता था, मॉपअप के दौरान, दैट मीन्स ये 17 सीटें जनरल की बन जाएंगी। अब आप ये मान के चलिए जो एनआरआई थे ना, वो जिनको सीट लेनी थी वो अभी तक ले चुके हैं, क्योंकि इस समय ईच एंड एवरी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई की सीट वीकेंट है। दैट मीन्स एनआरआई बच्चे थे और आप 140 नंबर भी थे तो भी आपको अपना मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल सकती थी। तो ये जिस एनआरआई ने मुलाना लिया है, लेट मी टेल यू, उनकी जो रैंक है वो बहुत ही नीचे है। जस्ट टू टेल यू कि भाई लोग कैसे डिफरेंट सोचते हैं ना, तो अपन कस्तूरबा पकड़ते हैं एनआरआई, और मैं बस आपको कंफर्म कर देता हूं, हमदर्द में भी देखिए खाली है। तो कुछ एनआरआई ऐसे हैं कि उन्होंने हमदर्द को छोड़ के मुलाना को लिया, वो उनकी अपनी चॉइस होगी और उसमें हम कौन ना कुछ कहने वाले, राइट। लेकिन अगर मैं कस्तूरबा मैंगलोर की बात करूं, जो कि हम टॉप में गिने जाएंगे ना, जिसमें अभी तक एनआरआई एडमिशन हुए हैं 16 और 8,33,000 रैंक पर भी एडमिशन हो गया, 8,33,000 नीट रैंक पर भी एडमिशन हो गया है अगर आप एनआरआई थे तो। बल्कि ये बच्चा तो मान के चले कैटेगरी क्वालिफाइड था, उसको भी मिल गया है कस्तूरबा, राइट। लेकिन एडमिशन कितने में 16, जबकि कस्तूरबा मणिपाल बैंगलोर में एनआरआई की सीटें कितनी है, मैं आपको भी कंफर्म कर रहा हूं, 25 सीटें एनआरआई की 16 हुए। दैट मीन्स एक और चीज समझने की है कि एनआरआई लोग ऐसे भी हैं जिनको कस्तूरबा मणिपाल मिल सकता था, लेकिन उन्होंने मुलाना या कोई भी और लेना पसंद किया, उनकी चॉइस है, शायद वो अपने बच्चे को नॉर्थ में रखना चाहते थे, वाइस वर्सा। तो खूब सीटें अवेलेबल हैं अच्छे कॉलेजेस में। सो नाउ आई लेट मी गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंटायर डेटा कि आप लोगों को क्या करना है। फिर से मैं कहता हूं, देखिए बच्चे 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपके पास बजट ही नहीं है तो ऑफकोर्स आप 55 लाख, 60 लाख या 70 लाख के पैकेज के बारे में ही सोचेंगे, वहीं जाएंगे। उसमें तो जो आपको बेटर मिल रहा है, आपके काउंसलर्स या आप खुद उस बात को समझ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 80-85 तक खर्च करने को तैयार है, जिसमें सारे आ जाते हैं, राइट, हमदर्द या कस्तूरबा के दोनों कैंपस, मणिपाल टाटा कैंपस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ऑफकोर्स 90-95 है जिसमें मुलाना और बाकी सुमनदीप बीएससी में जाता है। और देखिए सारे मैं जाऊंगा जो उन्हीं का नाम ले रहा हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। मैंने जाऊंगा उसके बाद टिपिकल तमिलनाडु की, उनका भी नाम लेना नहीं शुरू करा है, लाइक मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम या जो पौंडेचेरी की यूनिवर्सिटीज है जो भी खाली पड़ी है, राइट। तो उनको मैं एग्जाम्पल में नहीं ले रहा। और भाई मैंने कहा कि उन्हीं जगहों पर ही है कि जो आपको मेजोरिटी सीटें खाली मन नजर आ रही है वो सारी वही उन ड्यून में तो बहुत ज्यादा खाली है। ये जो अच्छी है इनमें 20-25 है बिकॉज ऑफ एनआरआई फैक्टर ऑल्सो, बट इवन जनरल खाली है। अब आपके पास डिसीजन लेने का समय ये है कि आप एक 250 मार्क्स के बच्चे हो, सोच भी नहीं सकते थे कस्तूरबा मिलेगा, तो जो भी आपको 18-20 लाख किस का, लेकिन आपके पास बजट है, मतलब आप चाहते हो कि बच्चा एटलीस्ट अच्छे अच्छे एनवायरमेंट में जाए, तो आप लोग वो लो रेटेड कॉलेज में नहीं भेजना चाहेंगे, यूपी के नए कॉलेजेस में या राजस्थान के नए कॉलेजेस में, आपके लिए मौका है। लिस्ट आ चुकी है, दैट मींस, और जैसा मैंने कहा कि आपको स्टेट मॉपअप राउंड 3 तो बाद में होना ही है, तो आप ऑल इंडिया राउंड या एमसीसी राउंड 3 में अपना चांस ले सकते हैं इन सीटों में जाके। बंदे कहेंगे सर लेकिन अगर हमने छोड़ दिए स्टेट मॉपअप, सीटें तो बहुत हैं और नो वी कैन नॉट हैव अ प्रेडिक्शन। मेरा भी ये मानना है कि जो कट ऑफ्स हैं अक्रॉस डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड के बाबा बहुत ज्यादा गिरेंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि राउंड 3 में होने वाला था, जो राउंड 4 में गिरती थी पर हमें पता नहीं चलता था।
तो लोग तो कहते थे सर मॉपअप में तो लास्ट टर्न बढ़ गई थी, वो इसलिए बढ़ गई थी ना क्योंकि मणिपाल की हम देखते सिर्फ 4 जनरल सीटें और लोग देखते आपकी तरह अरे 4 सीटें भी खाली हैं, आपके नंबर थे 550, पहले आपको नहीं मिल रहा था एडमिशन, अब आपने फट से अप्लाई करके ले लिया। लेकिन चूंकि अब वो 3 नहीं है, वो 23 हो गई है, क्योंकि एनआरआई की सीट कन्वर्जन जो पहले 4 में होता था वो 3 में हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अराउंड 4 तक आते आते टूरिस्ट ट्रे मॉपअप एनआरआई हर एक ड्यून में ही कट ऑफ 150 गिर जाती थी, पर आप लोगों को पता नहीं चलता था, वो चीजें छपती नहीं थी एमसीसी के द्वारा। पर चूंकि इस बार पहले ही हो रहा है तो राउंड 3 में आप 250 नंबर वाले भी सोच सकते हैं कि उन्हें अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ऑफकोर्स जहां पर उनको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, वो डिस्काउंट नहीं मिलेंगे जिनके एसएमएस और कॉल्स आप लोगों को सुबह शाम आ रहे हैं, तो आप उसके लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो फिर लोग पूछेंगे सर लेकिन जो राउंड 3 में मॉपअप मिल रहा है, सेम लॉजिक जो मैंने अपने ऑल इंडिया कोटा के क्लाइंट्स को बताया था, सरकारी वाले खासकर जिनको दिल्ली का आईपी वेट करना था या अपने स्टेट्स के राउंड 2 वेट करने थे, मैंने सबको ये गाइड किया था कि आप ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में एक सीट एलोकेट करा के खराब कर दो ताकि अभी नीचे वाले को ना मिले और वो रिपोर्ट ना कर जाए। अगर आपको अपने स्टेट के राउंड 2 में मन चाहे सीट नहीं मिली तो आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जा सकते हो। सेम लॉजिक अब आप लोगों के लिए है, मैं खुल के बता रहा हूँ, डीम ट्राई कीजिए राउंड 3। फिलहाल जिसने भी स्टेट मॉपअप राउंड 2 अपना भरी दिया है सीट एलोकेट करा लीजिए, सीट खराब हो जाएगी। फर्क यह है कि सरकारी में 10 का नुकसान था, इसमें 1,00,000 रुपए का नुकसान होगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट 1,00,000 रुपए लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई वो भी नहीं लेते। लेकिन आपने ऑफकोर्स जहां पर ऑफलाइन है तो राजस्थान इज ए क्लासिक केस, आप अगर ऑफलाइन के दौरान सीट नहीं लेंगे तो किसी और को दे देंगे। और मैंने बार बार समझाया कि जो भी ऑफलाइन राउंड होता है उसके बाद कोई राउंड होने की नौबत नहीं आती है, बट राजस्थान की काउंसलिंग के अलावा बाकी हर जगह मॉपअप होगा। जो सीट आपको राउंड 2 में मिली और आपने नहीं ली वो आपके लिए मोटा मोटी सुरक्षित है, वो आपको थर्ड राउंड में मिल जाएगी स्टेट्स में, विच मीन्स आप लोग अपने मॉपअप में पूरी कोशिश कर सकते हैं इन टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में जाने की, टॉप क्लास में जहां पर। और इंसिडेंटली जितनी टॉप क्लास है ना ये हैं भी अच्छी लोकेशंस में जहां पर लैंग्वेज का या फूड का इतना इशू भी नहीं होता, चाहे वो साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, राउंड 3 ही ट्राई करना आपको। 4 देखा, 4 में दिक्कत ये थी ना तब तक आपके स्टेट्स के मॉपअप भी खत्म हो जाते जो ऑफलाइन होते हैं, तो फिर हमें डरता हम खाली बैठ जाएंगे। अब तो डीम राउंड 3 आपके लिए अवेलेबल है, लीजिए। तो जो भी फिलहाल ये सोच रहा था कि मैं स्टेट का महंगा प्राइवेट कॉलेज ले लूं, मतलब अगर मैं नाम लूं बुरा ना मानिएगा, नॉर्थ की बात करूं तो SGT जो 18,00,000 फीस लेता है और 92,00,000 का पैकेज है, और मैं उनकी बात करूं जो अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, जो 60-65 का बजट देख रहे हैं, तो बात ही अलग होगी ना। उत्तराखंड के कॉलेजेस जिनका बजट 90 के ऊपर जाता है, हिमाचल का कॉलेज एमएमयू सोलन जिसका बजट करोड़ चला जाता है सारे खर्चे मिला के, तो अगर आपको ये सब सीटें फिलहाल एलोकेटेड हैं तो आप सोच सकते हैं उनको फिलहाल छोड़ के डीम्ड में ट्राई करना। डीम्ड में भी आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं बिना इतनी ज्यादा फीस दिए। हाँ, जिन लोगों और जो राजस्थान के भरोसे बैठे हैं वो बिल्कुल मैं वही कहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, मैं दिला दूंगा पक्का नॉर्थ इंडिया में, राइट। ऑफकोर्स आपको MGM जयपुर मिल रहा है तो शायद उस लेवल का नहीं दिला पाऊंगा, पर MGM जयपुर के अलावा जितने भी राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले का कॉलेज आपको हरियाणा में ही मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है आपको कि आप वो राउंड 2 में राजस्थान में पंगा लें, डीम्ड में ट्राई कीजिए जितना खर्चा करने वाले हैं। और अगर राजस्थान ने बाकी सीटें भरी दी तो फिर किसी और स्टेट में आपको राउंड 3 में एडमिशन आराम से मिल जाएगा, नहीं तो फिर बाकी सब तो वहीं। तो ये सबके लिए है, पर ठीक है जिसको राजस्थान पसंद है और वो राउंड 2 में सीट लेके काउंसलिंग खत्म करना चाहता है वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। फिर से अगर आप इस तरह के, मैं कॉमन चीजें बता देता हूँ, मैं बाबा कहता हूँ जिसको 1-to-1 मुझसे एनालिसिस करना है अपना समझना है, क्योंकि आई एम दी काउंसलर, लेट मी टेल यू, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं सबसे मैं ही डील करता हूँ, मैं ही बात करता हूँ। ऑफकोर्स हमारी टीम है जो चॉइस फिलिंग वाले डोंकी वर्क में हेल्प करती है मेरी, लेकिन बच्चों के साथ बात करना, पेरेंट्स से बात करना, एनालिसिस करना, उनको सेटिस्फाई करना, आप लोगों से बात कर करके निष्कर्ष निकालना, स्ट्रेटजी निकालना जिसमें आप खुश रहें अगले 50 साल तक, क्योंकि हमने गलत डिसीजन नहीं ले लिया था, ये सब काम मैं ही करता हूँ और मेरा समय बहुत कीमती है, इसलिए आपको शायद हमारी फीस दूसरों थोड़ी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मैं अपना पर्सनल टाइम आप सब लोगों के साथ लगाता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अगर प्रीमियम काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो 9643362320 पे कॉल कीजिए। वेबसाइट है हमारी www.gkworks.in, उसमें चाहिए देखिए, हमारे बिजनेस के स्केल को देखिए, काम के स्केल को देखिए, फिर आपको एडवांस भेजते हुए कोई डाउट नहीं आएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।